मैं प्रधानमंत्री जी को थैंक्स देने चाहूंगी इसी के लिए कि उन्होंने कोरोना का बारे में बहुत दफे डिस्कशन भी किया है और अभी तक मैंने नहीं देखा कि उन्होंने कोई नॉन कोऑपरेशन किया है। कोई कोई तो नॉन कोऑपरेशन करते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में रहते भी हर रोज स्टेट को तंग करते हैं। ये नहीं होना चाहिए। जो हम लोग चाहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, बोथ आर द इलेक्टेड गवर्नमेंट, लेट अस वर्क टुगेदर। एक तो है कि हमारा फाइनेंशियल बर्डन बहुत बढ़ रहा है। कोविड के लिए हमारा 2500 करोड़ से ज़्यादा खर्चा हो गया, लेकिन NHM से हमारा खाली 125 करोड़ मिला है। सर, मैं प्राइम मिनिस्टर को रिक्वेस्ट करने चाहूँगी कि हमारा 53,000 करोड़ अभी भी हमारा मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट से। हम 6 महीना से कोशिश कर रहे हैं, जो हमारा स्टेट का मनी हमारा पड़ा है। सर, मेहरबानी करके इससे कुछ कुछ तो दिलाएंगे तब हम लोग काम कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि हमारा जो GST का भी कंपेंसेशन, जो हमारा 4,135 करोड़ रुपये अप्रैल टू मई हमको नहीं मिला, जो अभी जून 2020 में मिलना था वो भी हमारा नहीं मिला। मैं आपको विनती करने चाहूँगी कि हमारा जो रुपया पड़ा है इसको प्लीज़ मेहरबानी करके दिला दीजिए।